हेलो दोस्तों, दिस इज अजाज इंजीनियर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप तो जानते हो एमएस टाटा जिसे हम मौज लाइट कहते हैं, उसमें नए नए अपडेट्स आते जा रहे हैं और नई नई चीज़ें चेंजेस होते जा रही है। पर अगर आपका चैनल मोनिटाइज हो चुका है तो कैसे पता चलेगा? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके से आप अर्निंग कर सकते हैं। एमएफसी में सिलेक्शन नहीं भी हुआ फिर भी आप अर्निंग कर सकते हैं। उसके अलावा आप लाइव लीडरशिप बोर्ड में रैंक पे कैसे आते हैं, उसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, बहुत ही ऑसम वीडियोस होने वाले हैं। चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, वीडियो काफी आसान होने वाला है भाई, एक लाइक जरूर कर देना। लाइक से मुझे मोटिवेट मिलता है, ऐसे वीडियो क्लिप बनाते रहता हूँ। मोबाइल इस पर लेकर चलते हो, इससे कर देते हो डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट। आपके सामने स्टार्ट हो गया है, वॉल्यूम कम कर देते हैं। जाकर जरूर चेक करना कि भाई एमएस टाटा का कोई नया अपडेट्स तो नहीं आया। यहाँ पर हमें अपडेट तो दिखाई नहीं दे रहा है, पर अगर मैं यहाँ पर इंस्टाग्राम ओपन करता हूँ तो देखिए आपको ऊपर में कुछ नोटिफिकेशन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से नोटिफिकेशन अब आपके मौज लाइट पे भी आएंगे कि जहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं भाई कितने लोगों ने हमें फॉलो किया है, कितने लोगों ने कमेंट्स किया है, लाइक किया है, हमारे वीडियोस को शेयर किया है या जो भी कमेंट्स करता है। ठीक है, ये हम यहाँ से बंद कर देते हैं। ओके, हम लेके चलते हैं आपको डायरेक्टली मौज लाइट पर। मौज लाइट पर भी अब डायरेक्टली आपको नोटिफिकेशन के बारे में पता चल जाता है। ये देखिए ऊपर में बेल आइकॉन दिखाई दे रहा है, यहाँ से आपको क्या होता है नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है, जैसे कि 9 मैसेज आ गए हैं, लाइक्स भी इतने सारे। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये नए नए अपडेट्स आते गए, नेवर मिस इनेबल नोटिफिकेशन के, जिससे आपको हर चीज़ें पता चल पाए। ठीक है, ये देखिए हर वीडियोस लाइक्स शेयर कमेंट्स होते जा रहा है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ से पता चल जाती है। अगर रिवार्ड्स पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली रिवार्ड्स के बारे में भी आपको पता चल जाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने कर दिया रिवार्ड्स, रिवार्ड्स नहीं मिला है, ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, इंट्रैक्शन कितना हो गया, ऑल पे क्लिक करेंगे तो सब कुछ पता चल जाएगा और यहाँ से आपको मैसेज के बारे में भी पता चल जाता है। ओके, तो ये नोटिफिकेशन काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि भाई इसके हमें पता चल जाता है। और देखिए मौज और मौज लाइट दोनों के अगर वीडियोस को लाइक्स या शेयर किया गया है तो यहाँ पर वो भी चीज़ शेयर होती है, क्योंकि इतने ज़्यादा हमारे इसमें व्यूज़ आ चुके हैं। इसे मैं करता हूँ बैक, यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखिए सबसे पहले आपको एक मैसेज आ गया है, भाई लाइव लीडरशिप बोर्ड में नंबर 1 पे आ गए हैं। अगर आपको लगता है भाई ये चेक कहाँ से किया तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। क्रिएटर रूम्स में जाने के बाद क्रिएटर हब पे जाकर भी आप चेक कर सकते हैं आपका रैंक कौन सा है। अगर नीचे आऊँगे तो देखिए BS मीनान। ओके, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए यही अकाउंट है हमारा। ठीक है, ट्रॉफीज़ भी है, एडिट ही है, तो ये चीज़ें आपको वहाँ से पता चलता है। देखिए कितने हैं, ये जो सेकंड नंबर पे है रिधि, जिनके लाइक्स है 1,18,000 और इनके 65,000, दोनों ब्लूटिक क्रिएटर है पर ये टॉप पर है। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। उसके बारे में अगर लीडरशिप बोर्ड के बारे में देखो तो देखिए 1, 2, 3 जबकि ये टॉप पोजिशन पर है, 4, 5, 6, 7 सब ब्लूटिक क्रिएटर है, पर इसके अलावा भी इन्हें जल्द से जल्द ब्लू टिक मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो टॉप पोजीशन पे यही है और जिनके 1 मिलियन फॉलोअर्स भी है और यहाँ पर प्रियंका करके नाम है जिनका, वो आ गए हैं। ओके, यहाँ से मैं बैक करता हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट पोजीशन पे पहुँचने का राज क्या है, किस तरीके से आप इसमें फर्स्ट पोजीशन पे आ सकते हैं। उससे रिलेटेड मैं आपको 2-3 चीज़ें और बता देता हूँ। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ट्रॉफीज, अगर आपकी अर्निंग स्टार्ट हो चुकी है, अगर आप पैसा कमा रहे हैं मौज लाइट से, 4 मंथ 1 मिलियन फॉलोअर, 3 मंथ 4 मंथ फैंस क्लब मिंटिंग मुझे चाहिए, प्रो क्रिएटर ट्रेंडी नंबर 1 का अभी इन्हें नहीं मिल पाया है, वो जल्दी मिलेंगे। जो भी ट्रेंड पर ऑडियो आते हैं उसका भी इस्तेमाल करके आपको ये बैचेस मिल सकता है। स्ट्रिक दिखाई दे रहा है एक्टिव डेज इन वीक्स, कितना ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, और यहाँ पर आपको फॉलोअर्स के बारे में है कि अभी तक कितने वीडियोस वायरल हुए, 5 लाख कितने वीडियोस पे गए, 105 वीडियोस पे गए हैं, 1 लाख कितना गए हैं, और 5 मिलियन व्यूज वाले 3 वीडियोस है, 5 मिलियन मतलब 50 लाख लोगों ने इसे देख चुका है। क्रिएटर का स्टेटस पहले अलग दिखाई देता था, अभी ये थोड़ा सा चेंजेस कर दिया गया है। एमएफसी में सिलेक्ट हो गया है प्रोफाइल पिक्चर, प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन पर उसके बाद जो आ रहा है वो आ रहा है इन्फॉर्मेशन मोनेटाइज। अगर आप इसमें मोनेटाइज दिखाई दे रहा है मतलब आप अर्निंग करना स्टार्ट करो, जरूरी है एमएफसी में से ही आप सिलेक्ट होएंगे और तभी जाके आपको मिनट मिलेंगे, वैसे ज़रूरी नहीं है। आप क्या कर सकते हैं स्ट्रिक बाद में हम चेक करते हैं, यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं वैलेट में जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अर्निंग मिल रही है लाइव स्ट्रीमिंग से, मौज फॉर क्रिएटर से सबसे ज़्यादा, और वीडियोस एंड प्रोफाइल मतलब आपके इसमें ये बैच आना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ क्रिएटर वाला, जिस पे इन्हें बाकी लोगों ने देखे चीयर्स दिए है, इन्होंने भी दिए 1,000, 1,700, 600, 500, ये चीज़ें आपके इसमें आना चाहिए। और सबसे पहले इन्होंने जो चीज़ किया है वो किया है कि भाई गलती से किसी और के कंटेंट नहीं डालना है। अगर आप किसी और के कंटेंट डाल देंगे तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएंगी कि भाई आपको अपील करना पड़ेगा कि भाई ये आप ही का कंटेंट है, वरना आपके फॉलोअर्स नहीं बढ़ेंगे, आपके वीडियोस फॉर यू पे नहीं जाएंगे। ओके, यहाँ पर देखिए पूरे वीडियोस आपको दिखाई देने लग गए हैं। ओके, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ शेड्यूल ऑप्शन, लाइव स्ट्रीमिंग, हेल्प, सपोर्ट, यहाँ पर वायलेशन दिखाई दे रहा है। अगर मैं वायलेशन पर जाता हूँ तो ये है किसी और के कंटेंट जब हम अपलोड कर देते हैं तो वहाँ पर आपको अपील दिखाई देगा। एक मिनट, थोड़ा सा बैक करके हम
फिर से कि मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ आपको वायलेशन। यस हाँ ये देखिए अपील दिखाई दे रहा है, यू अंडर डिफाइन हैज बीन रिमूव्ड, आपका भाई कंटेंट को डायरेक्टली रिमूव कर दिया था। आपको लगता था आप यहाँ पर अपील पे क्लिक करेंगे, इन रिव्यू डिसीजन मेड, और यहाँ पर आप कुछ लिख सकते हैं, यस इट्स माय कंटेंट, ये लिखे और उसके बाद आपने क्या कर दिया, डायरेक्टली इसे अपील कर दिया। अपील करेंगे वो चेक करेंगे कि भाई सही है या नहीं, अगर अपील होने के बाद सही हो गया, देखिए अपील रजिस्ट, ये टिकट नंबर है आपका, तो इससे पता चल जाएगा कि भाई आगे चल के आप किसी और के कंटेंट मत डालिए, अगर डालेंगे तो अपील कर सकते हैं, अगर वो वापस कर दो तो अच्छा, अगर किसी और के कंटेंट नहीं है तो वो वापस नहीं कर पाएंगे। तो आपको किसी और के कंटेंट नहीं डालना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आना है। अगर मैं आपको शो भी कर रहा हूँ, यहाँ पर प्लस बटन पर जा रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है लाइव बीटा, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली लाइव आ सकते हैं, क्लिक करेंगे और लाइव आ जाएंगे, माइक कैमरा वैमरा सब सेटिंग्स तो होकर है, उसके आप शेड्यूल भी कर सकते हैं। शेड्यूल होने के बाद क्या होगा, ये आपको यहाँ पर शो होगा, देखिए ऊपर में दिखाई दे रहा गोइंग लाइव ऑन फ्राइडे 3 रात के 9 बजे ये लाइव चले आएंगे 3 मार्च के दिन। तो अभी से लोगों को बता दिया कि भाई आपको आना है यहाँ पर लाइव देखने के लिए। ओके स्टार मोजी मिल चुका है, और यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो स्टार मोजी मुझे फॉर स्पायर बैच ट्रेंडी मोजी ये सब चीज़ें मिल रहा है। तो आपको क्या करना है, ओरिजिनल साउंड्स का ही इस्तेमाल करना। अगर आप बोलेंगे कि सर ओरिजिनल साउंड्स का हमें कैसे पता चलेगा, क्रिएटर हब पे जाके आप क्या कर सकते हैं, नीचे आ सकते हैं, और नीचे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सब चीज़ें, टॉप स्पार्क मोजी मोस्ट लाइकली ट्रेंडी डिवोशनल ब्यूटी एंड ये जितनी भी हैशटैग है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको लगता नहीं हमें दूसरा हैशटैग, तो यहाँ पर आपको हैशटैग का पता चल जाएगा, हैप्पी वैलेंटाइन डे, महाशिवरात्रि चैलेंज, हैप्पी महाशिवरात्रि, इसका हैशटैग ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। आप जो भी वीडियोज़ बनाएंगे ये ऑडियो का आपको इस्तेमाल करना है, और इससे रिलेटेड वीडियोज़ आएंगे एक्सप्लोर पेज पर आएंगे तो डेफिनेटली आपके लिए एक्सप्लोर काफ़ी बढ़ जाएगा, जैसे कि बाकी लोगों के आपने वीडियोज़ देखे होंगे ये इस तरीके से, ताकि आप लोग जब कमेंट्स पे जाएंगे तो लोग अगर आपको गिफ्ट दिए होंगे तो आपको वहाँ पर शो भी होंगे। देखो चेयर्स फ्लैश जो चीज़ चाहिए आप यहाँ से उनको दे सकते हैं। व्यू टॉप सपोर्टर यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग सपोर्ट करने वाले, अगर यहाँ पर आप गिफ्ट पे भी जाएंगे तो गिफ्ट पे भी जाकर आप उनको दे सकते हो। ठीक है यहाँ से मैं बैक करूँगा, यहाँ पर चलते हम 3 डॉट पे, यहाँ पर जाने के बाद क्रिएटर हब्स, क्रिएटर यहाँ पर भी जाकर आप चेक कर सकते हैं, क्रिएटर हब्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है तो ये सब चीज़ों के बारे में मैं इसलिए बताते रहता हूँ, भाई ये चीज़ें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके इसमें। लीडरशिप बोर्ड भी है आपके इसमें, ट्रेंडिंग जो चीज़ चल रही है, इंगेजमेंट मोर, यहाँ पर भी जाके आप सब चीज़ें चेक कर सकते हो कितने लोगों को क्या क्या चीज़ें मिली है। पर मैं आपको ज़्यादातर सजेस्ट करूँगा हाई क्वालिटी वीडियो सबसे ज़्यादा अपलोड कीजिए। अगर आपको लगता है भाई हमारे इसमें ज़्यादा लाइक्स नहीं आ रहे, व्यूज़ नहीं आ रहे, तो हाई क्वालिटी वीडियोज़ पर ज़्यादातर आपको ध्यान देना है। और मैंने इनसाइट्स पर चेक करता हूँ, ये है ये ट्रेंडी वीडियोज़ की मैं बात करूँ, 1.4 मिलियंस 999 इतने लैक्स में व्यूज़ आएंगे। तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली इनसाइट पे जाकर चेक करना है ट्रेंडिंग वीडियोस कौन से चल रहे हैं, और ये ट्रेंडिंग वीडियोस के आपको पूरी डिटेल पता चल जाएंगी। तो ओरिजिनल साउंड्स देखिए 1.14 लाख लोगों ने देख चुके हैं। ठीक है तो इस तरीके से क्या करना है, आपको ट्रेंडिंग जो वीडियोस है उससे रिलेटेड ही आपको वीडियोस डालना है, आपके जो वीडियोस लोग देख रहे हैं वायरल हो रहे हैं। अगर आपको लगता है तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, ट्रेंडिंग म्यूजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे घर राम आए हैं, झूमे जो पठान, नशे से जड़ गई, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए आपके फॉलोवर्स, फ्राइडे के दिन ज़्यादातर लोग देखते हैं आपके वीडियोस। देखिए बार बढ़ते जा रहे, तो डेली कंसिस्टेंट आपको रहना है, वीडियोस डालना है, और सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताते रहता हूँ। जितना ज़्यादा आप लाइव रहोगे, जितना ज़्यादा आप एक्टिव रहोगे, उतने ज़्यादा आपको स्ट्रिक्स मिलेंगे, स्ट्रिक्स से आपके इसमें ट्रैफिक ज़्यादा आता है, वीडियोस फॉरवर्ड पर जाते हैं, ज़्यादा लोग आपको गिफ्ट देंगे, आप ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। और MFC में सिलेक्शन अगर नहीं हो रहा तो भाई आपको न्यू ID क्रिएट कर लेना चाहिए। अगर 3-4 महीने हो गए अभी तक आपका MFC में सिलेक्शन नहीं हुआ है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, वरना आप एक नया TikTok इंडिया आने वाला है उस पर भी वीडियोस बना सकते हो। अगर आपको लग रहा नहीं हो रहा अभी मुझे MFC टकाटक नहीं करना है, तो आप इसको इस्तेमाल नहीं भी कर सकते, पर मेरे जितने भी क्रिएटर्स हैं उनके लिए मैं वीडियोस बनाते रहता हूं बीच में जैसे मुझे टाइम मिलता है। तो यहाँ पर अभी तो कुछ नहीं आया है, जैसे कुछ आएंगे तो मैं आपके लिए ज़रूर बता दूंगा। ठीक है और हर वीडियोज़ देखिए इन्हीं के है, ये वीडियोस है। ठीक है स्टार मुझे इन्हें मिल चुका है, तो बैच लेने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए। ये स्टार मुझे ये देखिए मोर बैचेस कौन कौन से है, सुपर मोजी के बैचेस है इसमें, मेगा मोजिस है, फेवरेट मोजिस है, मोजिस से क्या ट्रैफिक रहता है, बिल्कुल मेगा मोजिस आपको मिल गया भाई आपके सामने में शो होने लग जाएंगे। यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो आपके ये बाजू में पूरे बैचेस दिखने लग जाएंगे, इसी से भाई ट्रैफिक मिलता है, बैचेस को हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिए। ठीक है अब आपको समझ में आ गया, तो हाई क्वालिटी वीडियोस बनाइए, ट्रेंडिंग का इस्तेमाल कीजिए, इनसाइट देखिए जो ट्रेंडिंग म्यूजिक है उसका भी इस्तेमाल करके वीडियोस बना सकते हो। इसे करते तो ऐसे बन, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर होते फ्रेंड्स, सब्सक्राइब चैनल अजाज इंजीनियर, ऐसे वीडियोस में आपके लिए बनाते रहते। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।